हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ टेन टू ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस 18 डिग्री वे टू ए इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है टेन टू ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा, अगर देखो मैं टू ए, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस टू ए, इसके इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो हमारा क्या होता है, आप देखो कोट ए माइनस 18 डिग्री, ये होता है। अब यहाँ पे देखो कि मैंने इसके, क्योंकि जो हमें पता है कि जो हमारा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, ये होता है। अगर ये होता है तो मैंने इसकी जगह पे ये मैंने क्या लिख दिया, टेन थीटा, यानी कि इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल होता है, तो मैंने क्या किया, टेन टू ए, यानी कि टेन टू ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये कोट 9 थीटा माइनस थीटा, ये लिख दिया इसके जगह पे, ठीक है। ये लिखने के बाद अब देखो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा इधर से देखो कि हमारे यहाँ से कोट कट जाएगा फिर, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस टू ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए माइनस 18, ये हो जाएगा, यानी कि हमारे ये इतना आ गया। अब उसके बाद देखो 19 ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 18 ए, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 2 ए, ये कितना हो गया 3 ए, ये कितना हो जाएगा 108, ठीक है 108 आ गया। और ये हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ए, यानी कि हमारा इसको जो मैं कट करूंगा ये तुम्हारा, तो डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 6 18, यानी कि हमारा ये किस पे आ गया, 36, यानी कि ए हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री। और ए की वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो ये हो गया हमारा, ए की वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।